इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कोरोना को लेकर। और अब बात कोरोना की तीसरी लहर की। दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। अनलॉक को लेकर WHO ने चेतावनी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, अनलॉक करने वाले देश सावधानी बरते, कोरोना का नया वेरियंट खतरनाक है। WHO ने कहा देश भर में कोरोना का कहर जारी है। देश में एक बार फिर कोरोना से ने पकड़ी रफ्तार और 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए। वहीं कोरोना से बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पीएम ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, उसके बाद पीएम ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बिगड़ते हालात से निपटने पर चर्चा की। और कोरोना से जुड़ी हुई खबर इस वक्त की ब्रेकिंग जी, कोरोना के मामले अगर 24 घंटे की बात करें तो 38,146 नए केस सामने आए हैं। और ये भी खबर है कि एक दिन में 35,903 लोग रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में कोविड-19 की वजह से 411 लोगों की जान चली गई। देश में फिलहाल 4,04,820 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टेंशन बढ़ा देने वाली चेतावनी दी है। केरल में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 18,531 नए मामले सामने आए। केरल में एक दिन में कोरोना से 98 मौत हुई है। 3 जून के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंचा है। केरल में इस तरह के हालात बने